नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोगों की फरमाइश आ रही है कि ओवरव्यू दें, तो चलिए मैं आज ओवरव्यू में आपको अपने कुछ प्लांट्स जो मेरे इन साइड में हैं उसको भी दिखा रही हूं, और कुछ मैंने रोड साइड में भी लगाए हैं उसको भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। दोस्तों, कुछ प्लांट मैंने रोड साइड में लगाए हैं, ये आप देख रहे होंगे, प्राइड ऑफ इंडिया, इसको मैंने लगाई है। यहाँ हिबिस्कस है, इस ये बड़ा सा हो गया था, इसको यहाँ पर ला के रिपोर्ट की है, इसलिए इसकी स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये लग जाएगी। और तीसरा है यहाँ आपका, क्या बोलते हैं इसको, प्लूमेरिया का प्लांट इधर लगा हुआ है। यहाँ मैंने एक प्लांट ला के लगाए हैं, हालांकि मैं इसका नाम आपसे शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ये चमेली का प्लांट है, इसे भी मैंने रोड साइड में लाकर लगाए हैं। यह अशोक है, इसको भी यहीं पर मैं लगाई हूँ। यहाँ आप देखोगे सेंसेवेरिया, जो ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है, बहुत ऑक्सीजन देता है, इसे भी मैंने यहाँ रोड साइड में लगा दिए हैं। दोस्तों, दो प्लांट मैंने हरसिंगार के भी लगा दिए हैं यहाँ रोड साइड में। दूसरी वाली ये है, यहाँ मैंने डेट पाम लगा दिए हैं, साथ ही एक प्लूमेरिया का प्लांट यहाँ भी लगा दिया। इसके बाद कुछ देख लो आप, मैं ऐसे दिखाते चल रही हूँ, कुछ प्लांट्स मैंने यहाँ भी लगा कर रखे हुए हैं। इसमें सदाबहार भी है आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, सिंगोनियम भी है, और पत्थर चट्टा का भी प्लांट है। अब आ जाते हैं घर के अंदर, तो यहाँ आप ढेरों प्लांट देखते चलोगे, बहुत सारा आपका पहले का देखा हुआ है। अभी यहाँ लेमन गमले में इस तरह से खिल रहे हैं, बोगनवेलिया भी फ्लावरिंग कर रही है, साथ ही आप यहाँ पर देखोगे सीजनल फ्लावर किस तरह से आ रहे हैं। और यहाँ है हिबिस्कस, ढेरों हिबिस्कस खिले हुए हैं, हर कलर में खिले हुए हैं। आपको देखकर अच्छा लग रहा होगा कि इतने हिबिस्कस यहाँ, एक जोड़ा वाइट कलर की एक जोड़ा है, ये चाइनीज एक जोड़ा इसको बोलते हैं। ये दूसरी वाली एक जोड़ा है, लेमोनिया भी बहुत सारा फ्लावर दिया था, लेकिन अभी लगता है कि इसमें फ्लावर आने बंद हो गए। यहाँ आप देखोगे रतन जो जटरूपा का भी फ्लावरिंग चल रहा है, और साथ ही अलमंडा भी अभी काफ़ी फ्लावर दे रहा है, इसके ढेरों कलियां और बहुत सारे फ्लावर्स इसमें आ रहे हैं। एक गमले में मुसुंडा है, तो यहाँ पर फर्स्ट लव फ्लावरिंग कर रहा है, अभी बहुत सारे फ्लावर्स इसके समाप्त हो गए हैं, और बहुत सारी कलियां आपको दिखाई दे रही होगी। बालसम भी खिला हुआ है, और यहाँ लेवेंडर अपनी पूरी छटा बिखरे हुए है, बहुत ज़्यादा ये घना हो गया है। यहाँ आते हैं तो जटरूपा का दूसरा वेराइटी, ये भी फ्लावरिंग कर रहा है, साथ ही यहाँ दूसरे कलर में आपको मुसुंडा दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर में आपको चांदनी खिली हुई दिखाई दे रही है। शम्मी का पौधा जो बहुत ही घर के लिए शुभ होता है, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी, वो कटिंग भी मैं आपसे शेयर कर देना चाह रही हूँ। ये देखो इसकी कटिंग ग्रो कर गई है, कुचिया साड़े के साड़े इस तरह से बन चुके हैं। टेबल रोज, मॉस रोज की तो बात ही अभी छोड़ो, काफ़ी ये खिल रहा है। इधर बेली आपका जैस्मिन, ये भी काफ़ी फ्लावरिंग कर रहा है। और वहाँ देखो आप संध्या फूल, ये संध्या फूल शाम में खिलती है, दिन में इसकी ये हालत हो जाती है। यहाँ पर बटन रोज, इसका नाम ही बटन रोज है, ये बहुत नन्हा नन्हा सा खिलता है, ये भी काफ़ी फ्लावर अभी दे रहा है। अब मैं अपना सकुलेंट आपको शेयर कर दूँ, जो यहाँ छुपा कर रखे गए हैं, सारे के सारे सकुलेंट यहाँ पर मैंने छुपा कर रख दिए हैं, ताकि ये बारिश से बच सकें।
यहाँ स्पाइडर प्लांट मैंने छोटे छोटे गमले में लगा कर रखे हैं, और वहाँ आप कैक्टस देख रहे होंगे, साथ यहाँ आप टर्टल वाइन वहाँ पर लगा हुआ है। अब आइए कुछ हिबिस्कस मैं आपसे और शेयर कर दूँ जो इस तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। साथ ही आप देखोगे ये कितना खूबसूरत सा हिबिस्कस है, ये भी काफ़ी फ्लावर अभी दे रहा है। दोस्तों मैं अब आती हूँ मेरा स्पेशल प्लांट, आप देख लो ये किस तरह का है। मैंने बार बार आप लोगों से भी चर्चा की है कि मुझे इसका नाम पता नहीं है, इतना खूबसूरत लगता है कि मैंने इसकी खूबसूरती पर इसको ला कर के लगाई है, और इस तरह से ये पूरे बगीचे में अभी लगा हुआ है। ये पहले बंधा हुआ सा रहता है, बंधा बंधा आपको दिख रहा होगा, बाद में एक लीफ बन जाते हैं, और ये जो आप देख रहे हो इसमें नन्हे नन्हे फ्लावर्स आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वैसे एवर ग्रीन है और हमेशा ये हरा भरा रहने वाला पौधा है। अब देखते हैं ये रोहियो प्लांट है, इसको एरोकेरिया को, और इधर सॉन्ग ऑफ इंडिया का, इसकी कटिंग मुझे अभी काट कर लगानी है, मैं हो सकता है आपसे शेयर भी कर दूं। ये है आपकी रात की रानी, हालांकि दिन में इसमें फ्लावर्स आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने एडेनियम को वर्षा के पानी से, बहुत ज़्यादा वर्षा का पानी न लगे इसके लिए मैंने इसको यहाँ पर बचा के रखे हैं। इसी के मैंने सीड आपको शेयर किए थे, क्या पता फिर ये दोबारा सीड दे दे, अभी तो ये फिर फ्लावरिंग करना शुरू कर चुका है। ये रहा मेरा मनी प्लांट, मनी प्लांट कितना खूबसूरत दिख रहा है। दोस्तों सिंगोनियम की एक वैरायटी ये भी मेरे पास है, इसके पत्ते आप पीछे की तरफ ग्रीन देखोगे और आगे इसके पिंक कलर के होते हैं जो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, और ये भी बेल वाली होती है, लत्तर के जैसा ऊपर से चढ़ते जाती है। बारिश से बचाना ज़रूरी है इसलिए मैंने क्लंचों को भी यहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। ये पाम का प्लांट है जो यहाँ पर लगा हुआ है, बड़े से गमले में मैंने इसे लगा दी है। अब आते हैं अपने हैंगिंग पॉट पर, यहाँ स्टिंग टॉप बनाना, स्पाइडर प्लांट, क्लंचो, ये क्या बोलते हैं लक्की बम्बो, इधर सीडम, ये सारे के सारे इसमें लगे हुए हैं। ये है थूजा, आपके प्रश्न आए थे, आपने पूछे हैं कि सीड से लगा कर दिखलाइए, तो इसमें सीड बन रहे हैं, अगर वो तैयार हो जाते हैं तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। साथ ही एक सिंगोनियम की वैरायटी मेरे पास और भी है, इसे भी आपको मैं शेयर कर देती हूँ, और इसकी बेल कैसे बढ़ के जा रही है वो भी आप देख लो। ये है मैक्सिकन पिटूनिया जो काफ़ी फ्लावरिंग कर रहा था, अभी थोड़ी सी इसमें कमी आई है। हाइड्रेंजिया अभी फ्लावरिंग किया था, लेकिन इसके फ्लावर भी बरसात में फ्लावर अक्सर ख़राब हो जाते हैं, और यहाँ कुछ तो प्लांट मेरे पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पर जैस्मिन के और मैंने लगा के रखे हैं, यहाँ अजेलिया है आपका, और ये है शरीफा का जो मैंने आपसे शेयर किया था, सीड से बना हुआ प्लांट, मैंने गमले में इसको लगा कर रखी है, देखते हैं इसमें ये फ्रूट कब आते हैं। ये है टर्टल वाइन जो इस तरह से लंबा लंबा करके नीचे की तरफ आ रही है, साथ ही मैंने एक बड़े पत्ते वाली मनी प्लांट भी वहाँ लगाई है, अभी कटिंग ही लगाई है, ये भी ग्रो कर रही है, और यहाँ है आपका वंडर ड्यू, ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है हैंगिंग पॉट में। दोस्तों अब मैं कुछ इधर सीधे ऐसे दिखला देती हूँ, रोज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी आ रहे हैं, और अच्छी से ही थोड़ी साइज सही ही आ रही है, बहुत छोटी भी नहीं आ रही है। अब मैं केवल यहाँ क्या बोलते हैं इसको पाम को और कैरोटन को आपसे शेयर करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। इसमें बहुत सारे पाम हैं, एरिका भी है, चाइनीज पाम भी है, बहुत सारे पाम इसमें हैं। दोस्तों ब्रोकन हार्ट की जो मैंने कटिंग आपको शेयर की थी वो इस तरह से ग्रो कर गया है। ये रहा आपका पेंसिल कैक्टस जिसकी आप छोटी सी छोटी कटिंग भी लगा लोगे तो ये ग्रो हो जाएगा। सेंसेवेरिया का मदर प्लांट जिससे मैंने ढेरों प्लांट अलग करके आपको शेयर किए थे,
बिगुनिया और चाइनीज एवरग्रीन प्लांट। यह है मेरा हैंगिंग पॉट में क्रीपिंग चार्ली। देखो कितना खूबसूरत ये प्लांट है। यहाँ ड्रेसिना की कुछ वैरायटी मेरी पड़ी हुई है। ये आपका हड्जोड़ है जो बहुत बड़ा मेडिसिनल प्लांट है। हड्डी में कोई परेशानी होने से इससे बचाव होती है। और देखो ये किस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। और यहाँ है फिलोडेंड्रॉन, बहुत ही खूबसूरत पौधा जो ऑक्सीजन भी देता है, इंडोर में भी हम रख सकते हैं। यह है फर्न, साथ में कुछ रोज को मैंने यहाँ पर छुपा कर रख दिए हुए हैं। ये ब्लीडिंग हर्ट है, एकदम ग्रीन पत्ते वाला प्लांट जिसके फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन अभी फूल इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। यह है मेरा ऑर्किड, ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। साथ ही मैं ऐसे दिखलाते हुए बढ़ रही हूँ जो ट्यूबलाइट में मैंने प्लांट लगाए थे। मैं सोच रही हूँ इसको भी शेयर करते हुए ही आपसे निकलनी चाहिए, तो इस तरह से मैं इसको शेयर करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ जो मैंने प्लांटर बनाए थे उसमें बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, आप नज़र डाल कर देख लो, इसमें बहुत सारे प्लांट हैं। मैं इतने को शेयर करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और आप यहाँ मेरी कटिंग वगैरह को देख लो, जो मैंने कटिंग वगैरह से बहुत सारे पौधे ग्रो किए हैं। कुछ कटिंग मैंने यहाँ कैरोटन की लगाई हुई है, चंपा की लगाई हुई है। यह है गोरी चोरी का पौधा जिसमें पीले पीले फूल आते हैं। यहाँ सेंसेवेरिया को जो मैंने अलग करी है, सारे सेंसेवेरिया के पॉप्स को जो अलग किया है वो यहाँ पर सब मैंने डाल रखी है। एक अलग वेराइटी की अल्मोंडा। साथ ही यहाँ मैं ऐसे शेयर कर दूँ, अमरूद के पेड़ हैं तो ढेरों यहाँ पर लीली वगैरह के परे हुए हैं। और ये मेरा बम्बू है, ये क्या बोलते हैं, छोटे नन्हे नन्हे पत्तों वाला ये बम्बू है जो लक्की माना जाता है। और दूर दूर आप देख रहे होंगे वहाँ पर ढेर सारी सब्जियाँ लगी हुई है। और इसमें अंजीर फले हुए हैं, अंजीर फलना शुरू कर चुका है। ये पकते हैं तभी खाया जाता है या तोड़ा जाता है, अगर पहले तोड़ लोगे तो ये बाहर में तोड़ने के बाद ये पकते नहीं हैं। यहाँ पर मेरा जो मिंट बनता है वो वाला मेरा पुदीना है जिसको जापानी पुदीना भी कहते हैं। यहाँ आप रेन लिली को देख रहे होंगे, ये अच्छे से ग्रो फ्लावर देना शुरू कर चुकी है, साथ में और भी फ्लावर यहाँ हो रहे हैं। यहाँ पर जो आधी जिंजर लगा के आपसे शेयर की थी वो दिखाई दे रहा है। यह है लाजवंती यानी छुई मुई का पौधा, ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसको छुओगे तो ये अपने पत्ते को सिकोड़ लेता है खुद ब खुद, ये देखो इसके पत्ते सब मुड़ जाते हैं। यह है वेरीगेटेड चांदनी, तो बगल में लैला मजनू का प्लांट है जो एक तरफ लाल है और दूसरी तरफ ये इस तरह का होता है, इसको लैला मजनू के नाम से जानते हैं। ये लैंड लोटस का पौधा है। साथ ही यहाँ मेरे कुछ कैक्टस वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ जेड प्लांट है जो नीचे की तरफ यहाँ देख रहे होंगे आप, एरोकेरिया है। और इस तरह से मैं इसको सीधे आपको दिखाते हुए अब चलूँगी। यहाँ साइकस है, रबर प्लांट है, ये इसके फ्लावर मैं नहीं दिखा पाई थी पिछली बार, तो अभी देखो ये किस तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। अजवाइन का पौधा। और ऊपर में रखे हुए मेरे नन्हे मुन्हे प्लांट्स, साथ में यहाँ घर के अंदर लगा हुआ हरसिंगार का पौधा। एक कौरव पांडव, हाल में मैंने इसकी वीडियो शेयर की है। अब देखो ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, ये बेल वाली होती है और इसी तरह से बढ़ते चली जाती है। दोस्तों ये एडेनियम का सीडलिंग जो तैयार हो रहा है, इसको शेयर करते हुए मैं आज आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा
बहुत बहुत प्यार।